तो अब मैं हमारा लैब क्या था कि मल्टी लेयर स्विच पे हम कैसे डीएससीपी सर्वर इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 PCs कनेक्ट कर लिए हैं। तो मैं फर्स्ट 2 PC को VLAN 10 का मेंबर बना दूंगी, 20 को एंड दिस 2 PCs को हम कर देंगे VLAN 20 एंड लास्ट 2 PC को VLAN 30। तो आई होप सबको पता होगा कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्विच पे क्या करें, सबको आईपी एड्रेस दे दें, सॉरी आईपी नहीं, किस विलेन का जी मैप बनाना है, ठीक है। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से रेंज कमांड ही हम यूज कर लेते हैं। फास्ट इथरनेट कौन कौन सी है, 1 से लेके 6 तक है। अगर आप इसको देखिए तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही, अभी जस्ट मैंने चेक करा था। तो मैं यहाँ पे रेंज कमांड डायरेक्ट यूज कर लेती हूँ। फास्ट इथरनेट 0/1 से 2, ठीक है। एंड मुझे इसको इसका मुझे किसका मेंबर बनाना है, कमांड क्या होगी यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? मुझे इसको VLAN 10 का मेंबर बनाना है ना, क्या कमांड चलेगी? कमांड तो हम भूल गए, विलेन साहिल आप मुश्किल किसी को नहीं आ रही? कॉल करना पड़ेगा। स्विच पोर्ट कुछ याद है कुछ याद नहीं आ रहा। एक्सेस VLAN नंबर 10 कमांड क्या होती है? इस कमांड से मेरा VLAN 10 क्रिएट भी हो जाता है और पोर्ट मैपिंग भी हो जाती है, ठीक है। क्या आ गया, मैसेज आ गया यहाँ पे आपके पास, क्रिएटिंग VLAN 10 और VLAN 10 का पोर्ट नंबर जो 1 एंड 2 है उसका मेंबर भी बन गया। क्लियर, इतना सिंपल तो है कमांड, फिर भी आप लोग नहीं याद रखते हैं। अब मुझे क्या लेना है, 0/3 एंड 4 को किसका मेंबर बनाना है, 20 का। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, एक्सिट कर दीजिए। एंड इंटरफेस रेंज आपका और लास्ट कौन सा है, 5 एंड 6, 5 एंड 6। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, यही करना था ना, एग्जिट। VLAN देखने की क्या कमांड होती है, शो VLAN ब्रीफ। बन गए ये सारे, ठीक है। VLAN 10 का मेंबर 1, 2 बन गया, VLAN 20 का 3, 4 एंड 30 का 4, 5 एंड 6। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम एक मल्टी लेयर स्विच पे काम कर रहे हैं, तो आई थिंक हम उसको आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सारे क्या करते हैं, सारे विलेन जो VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 सबको हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आईपी कैसे देंगे, कमांड याद होना चाहिए, इंटरफेस। और जैसे हम इंटरफेस के बाद फास्ट इथरनेट लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे क्या मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, सबसे लास्ट में VLAN कमांड, ठीक है। इंटरफेस VLAN एंड देन जो भी आपका VLAN, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए ना, देखिए VLAN का इंटरफेस नंबर मांग रहा है, क्या था हमारा अभी 10 था, ठीक है। क्लियर है। एंड देन जैसे हम आईपी एड्रेस उसको प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, 10.1 एंड 255.255.0, नो शटडाउन, एक्सिट। इसी तरह हम VLAN 20 को दे दें, इंटरफेस VLAN नंबर 20, आईपी एड्रेस 192.168. डिफरेंट रेंज देंगे ना, तो 20 का दे देते हैं, 20.1। सेम सारा प्रोसेस सेम है, जैसे हम इंटरफेस टाइप करते थे वैसे हमें बस VLAN टाइप करना है, ठीक है। क्लियर हो रही है? इंटरफेस VLAN नंबर 30 एंड सेम प्रोसेस आईपी एड्रेस 192.168.30.1 दे दिया मैंने और उसका सबनेट मास्क दे दिया। एंड जैसे हम आईपी पे नो शटडाउन चलाते थे वैसे हम इस पे भी करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे चेक करेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जैसे हम आईपी देखते हैं वैसे ही चेक करेंगे, बट डिफरेंस क्या है,
यहाँ पे मुझे सबसे लास्ट में मिलेगी मुझे आईपी, ठीक है, क्योंकि विलेन की इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में होती है। आगे आपका विलेन 10, विलेन 20 एंड विलेन 30, स्टेटस प्रोटोकॉल सब सारी चीजें अप हैं और आईपी भी यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दी है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे पूल क्रिएट करने जा रही हूँ। पहले मैं किसके लिए क्रिएट करने जा रही हूँ? विलेन नंबर 10 के लिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे अगर आप टॉपोलॉजी देखिए कि क्या है, सारे डिफरेंट डिफरेंट विलेन में है ना, तो सारे आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसको मैंने किस रेंज की 10 की दी है, इसको मैंने 20 की दी है, इसको मैंने 30 की दी है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पूल क्रिएट करूंगी, ठीक है। तो चलिए मल्टी लेयर स्विच पे जाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे डीएससीपी मल्टी लेयर स्विच पे डीएससीपी इनेबल करने की कमांड क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है, आईपी डीएससीपी पूल एंड आपको क्या लेना है, यहाँ पे पूल का नेम लेना है, कुछ भी ले लीजिए, पूल वन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी विलेन 10 के लिए 10 भी ले सकते हैं, मैंने वन ले लिया, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमें सब क्या डिफाइन करना है, नेटवर्क डिफाइन करना है। क्या नेटवर्क था मेरा पूरा 10 का चल रहा है यहाँ पे नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि हमने 10 की आईपी दी है ना, ये हो गया उसका सबनेट मास्क। अब आप यहीं पे डीएनएस सर्वर डिफाइन कर दीजिए, 1.1.1.1 सपोज चल रहा है, एंड देन अपना डिफॉल्ट राउटर मींस डिफॉल्ट गेटवे दे दीजिए। सपोज आपका डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.10.10 है, हो गया एग्जिट। इसी तरह आप स्विच विले नंबर 20 के लिए कर लीजिए, आईपी डीएससीपी पूल एंड देन पूल का नेम, की नेम से ले लूं, उसमें वन दिया था, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपना नेटवर्क डिफाइन कर दीजिए, नेटवर्क आपका यहाँ पे पूरा 20 का रेंज चल रहा है, 192.168.20.0 एंड उसका क्या सबनेट मास्क, क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे डीएनएस सर्वर दे दीजिए, सपोज 2.2.2.2 चल रहा है आपके नेटवर्क में, एंड डिफॉल्ट राउटर 192.168.20.10 चल रहे हैं, क्लियर, एंड एक्सेप्ट कर दीजिए। इसी तरह 30 के लिए भी हम डिफाइन करेंगे सेम सारी चीजें। तो क्या कमांड चलेगी, आईपी डीएससीपी पूल एंड उसका नेम ले लेते हैं, एंड देन यहाँ पे नेटवर्क क्या चल रहा है 30 का 192.168.30 डॉट क्या चल रहा है, जीरो ना, 30 का पूरा नेटवर्क, क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ? हाँ जी, बोलते भी रहिए जिससे मुझे भी क्लियर हो, आपको समझ आ रही है चीजें, ठीक है। एंड देन यहाँ पे डीएनएस सर्वर सपोज 3.3.3 है, एंड डिफॉल्ट राउटर मींस डिफॉल्ट गेटवे 192.168.30.10 है, हो गई सारी चीजें। अब यहाँ पे भी आप एक्सक्लूड नेटवर्क वाली कमांड रन कर सकते हैं। क्या कमांड है, यहाँ पे भी सेम है, आईपी डीएससीपी क्या एक्सक्लूड एड्रेस, ठीक है, वही सेम प्रोसेस, लो आईपी हाई आईपी, तो सपोज आप 10.2 से और आप अपनी हाई आईपी क्या चूज कर लेंगे 192.168.10.50 तक ले लीजिए, मतलब 2 से 50 तक मैंने क्या कर दिया, आईपी को एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब ये इतनी आईपी मेरे फ्यूचर यूज के लिए सेव हो गई है, ठीक है। ये रहा मेरा क्या 10 के नेटवर्क के लिए। अब आप 20-30 भी तो है आपके पास, क्लियर, ये मैंने किसके लिए चलाया है, 10 के नेटवर्क के लिए, ये वाला इसके लिए। अभी ये दोनों भी तो है, इसमें से भी अगर आप कोई आईपी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेम कमांड होती है, बस क्या हो जाएगा, आईपी चेंज हो जाएगी, 10 की जगह क्या हो गया 20 हो गया। अब एक और आप 30 के लिए रन कर लीजिए, ठीक है, एंटर हो गया, ऐसे सारी चीजें डन। अब आप वापस से आ जाइए वहां पे अपने
पीसी पे, पीसी नंबर वन पे, डेस्कटॉप पे चल के आईपी एड्रेस स्टैटिक डीएससीपी देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए 10.51 से स्टार्ट हो गया क्योंकि 50 तक हमने क्या कर दिया था, एक्सक्लूड। तो मैम दोनों कमांड एक साथ चल रही है, मतलब इस टाइम आईपी मेरे को जो एक्सक्लूडेड थी उसके बाद ही मिल रही है, गेटवे जो मैंने सेट करा था वो चाहे उसी रेंज में था तो भी मिल गया वो। बिल्कुल, तो वही मिलेगी ना जो हमने सेट करा है। मुझे पता है ना कि मेरे नेटवर्क में डीएनएस सर्वर की क्या आईपी चल रही है, क्या डिफॉल्ट गेटवे है। आईपी तो वो अपने मन से दे रहा है, ठीक है। तो जो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया 50 तक हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो उसके बाद से देखिए इसको 52 मिल गया होगा। अब आपकी मर्जी, आप एक्सक्लूड मत करिए, मैं तो एक एक्स्ट्रा कमांड थी इसलिए मैंने बता दिया। अब इसमें तो आपको 10 की मिल गई, अब इसमें क्या मिलनी चाहिए, 20 की मिलनी चाहिए, ठीक है। 20 की मिल रही है 20.51, क्योंकि मैंने तीनों नेटवर्क में मैंने आईपी एक्सक्लूड की कमांड रन करी थी, 20 के लिए भी, इसमें भी देख लीजिए, इसमें 30 होगा विलेन 30 के लिए। आ गया। तो ये आपका था कैसे आप एक मल्टी लेयर स्विच पे भी आप डीएससीपी सर्वर इनेबल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या है, कुछ वीलेंस के कॉन्सेप्ट है, आईपी एड्रेस देना है, देन आप वहां पे डीएससीपी पूल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो। हम यहाँ पे मैनुअली बाइंडिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ क्या कि कोई एक आईपी है लाइक 10.1.12.2, ये आईपी मैं हमेशा चाहती हूँ कि जब भी मेरा पीसी या कोई भी मेरे नेटवर्क में डीएससीपी सर्वर जब भी आईपी दे तो मुझे कौन सी आईपी दे, यही आईपी दे, मुझे कोई और आईपी नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल बाइंडिंग भी कर सकते हैं डीएससीपी सर्वर पे। मतलब आपने राउटर लिया, पीसी कनेक्ट कर दिया, अब आपका पीसी जब भी एक्वायर करेगा क्या चीज करने के लिए, आईपी जाने के लिए, तो आप यहाँ पे मैनुअल बाइंडिंग कर दिए हैं और यहाँ पे आपको हमेशा और हमेशा आईपी क्या मिलेगी, 10.1.12.2 मिलेगी। तो हम मैनुअल बाइंडिंग भी करते हैं, तो बट एक बार मुझे देखना पड़ेगा अगर सर्वर फ्री है तो मैं, क्योंकि ये सिस्को पैकेट रेसर पे उसकी कमांड नहीं रन होगी। तो अच्छा, इस लैब में तो कोई डाउट नहीं है, तो हम थर्ड लैब करके देखें एक बार। ये क्लियर है? ठीक है रवि जी, क्लियर है? साहिल आपको हटाएं? हाँ जी। तो एक बार बस मुझे चेक करना है यूएनएल फ्री है कि नहीं फ्री है, कोई वर्क तो नहीं कर रहा उस पे। तो बाइंडिंग वाली जो है ना, बाइंडिंग वाली हम देख लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल, हम चेक कर लेंगे। हाँ, बस एक कमांड चलती है वहाँ पे क्लाइंट आइडेंटिफायर की। हाँ ठीक है। तो मैं अगर मैं पहले एक बार देखती हूँ कि, क्योंकि सर की क्लास तो नहीं चल रही ना, बस ये चीज मुझे देखना है। सर आई थिंक क्लास ले रही है, ओपन नहीं हो रहा। देखिए उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस एक कमांड जो चलती है आप खुद भी करके देख सकते हैं, मैं इसी पे बता देती हूँ। बट कमांड एक, बस कमांड नहीं रन होगी, बट मैं फॉर्मेट बता देती हूँ, ठीक है कैसे होगा। एक आप राउटर लेंगे एंड आप एक पीसी ले लीजिए, या आप खुद करके देखेंगे? हाँ खुद कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आप राउटर ले लीजिए, एक पीसी ले लीजिए, ठीक है। राउटर के 0/0 पे आप क्या कर दीजिए, कोई भी एक आईपी दे दीजिए, कुछ भी, ओके, 192.168.10.0.10.1, आप कुछ भी आईपी दे दीजिए। एंड देन जैसे हमने पूल की कमांड इनेबल करी थी, वही सारी चीजें आपको करनी है यहाँ पे, आईपी डीएससीपी पूल, एंड देन पूल का नेम एंड नेटवर्क डीएनएस डिफॉल्ट गेटवे, सारी चीजें जैसे हमने कॉन्फ़िगर करी थी वही सारी चीजें करनी है, ठीक है। हाँ, और फिर वहां पे एक और आपको कमांड क्या रन करना है, आईपी डीएससीपी
पूल का, एंड देन इस बार हम क्या करना चाहते हैं, मैनुअल बाइंडिंग करना चाहते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम करना चाहते हैं, कोई भी एक आईपी आप ले लीजिए, कमांड यहाँ पे चलेगी आपकी होस्ट, एंड देन जिस भी आईपी को आप मैनुअल बाइंडिंग करना चाहते हैं, सपोज 10.50 को आप करना चाहते हैं, ठीक है, एंड देन उसका क्या, सबनेट मास्क। फिर एक यहाँ पे कमांड चलती है क्लाइंट आइडेंटिफायर की, क्लाइंट आइडेंटिफायर, एंड देन क्या, देखिए कुछ यहाँ पे फॉर्मेट होता है 01, जिसमें क्या होता है, ये आपका फिक्स होता है, 01 फिक्स होता है। और जो पीसी का मैक एड्रेस होगा, पीसी का मैक एड्रेस आप कैसे देखते हैं, आईपी कॉन्फ़िग हम चलाते हैं ना, आईपी कॉन्फ़िग अपने पीसी का, तो जो भी आपके पीसी का मैक एड्रेस होगा आप उसको कॉपी करिएगा और यहाँ पे लाके इसके आगे पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे। बट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, सिंपल आके पेस्ट नहीं कर देना है, फॉर्मेट में 01 आगे की वैल्यू फिक्स रहेगी, एंड देन सपोज उसका मैक है 00000000000 and 00, ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में हो आपको इस सीक्वेंस में उसको बनाना है, क्लियर। एंड देन अपने पीसी पे लाके रन कमांड, यहां से रन से हम कहां पे जाएंगे, कमांड पे जाएंगे, सीएमडी अपना ओपन करेंगे, एंड देन वहां पे आप आईपी, एक रिलीज कमांड होती है और एक रिन्यू, यही होती है रवि जी, आईपी कॉन्फिग, एंड देन आपको क्या टाइप करना है, रिलीज, एंड देन सेम आईपी कॉन्फिग, एंड आपको स्लैश रिन्यू कमांड करना है, ठीक है। तो जब जो आपको वहां पे आईपी मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 192.160, मतलब एक बार रिलीज करना है, एक बार वापस रिन्यू जनरेट करना है, तो आपको आईपी मिल गई 10.50। तो ये हमेशा के लिए क्या हो गया, आपका मैनुअल बाइंडिंग हो गया, कि जब भी आपका पीसी आईपी एड्रेस के लिए ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा तो डीएससीपी सर्वर आपको कौन सी आईपी प्रोवाइड करेगी, ये आईपी प्रोवाइड करेगी, जिससे आप क्या होता है कभी नेटवर्क में बार बार चेंजेस होते हैं ना, आईपी हमें एड्रेस बार एक बार हमने करा, दूसरा मिला, फिर दूसरा मिला, तो ऐसे क्या होते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम आईपी को फिक्स कर देते हैं, मैनुअल बाइंडिंग कर देते हैं, जिससे कोई चेंजेस नहीं होता मेरे नेटवर्क में, क्लियर। तो आप ऐसे, अदरवाइज कल हम अगर सर्वर फ्री